Yeah.
अजमत अरे अजमत अजमत की नजर नहीं कहा जा सकता है, चाय की चुस्की ले रहा होगा और क्या। अरे अजमत अरे अजमत बताओ इस मुसीबत से बचने। तो खोपड़ी चकरा कर रहे हैं, कुछ
समझ नहीं आता क्या करूं। मैं खुद अपनी आंखों के सामने अपनी शामत देख रहा हूँ, अब आप ही कोई तरीका निकालो इससे बचने का। अरे यार मैं क्या तरीका निकालूं, उनके यूं यकायक आ जाने की वजह से मेरा तो सारा का सारा मामला ही चौपट हो गया। मेरा भी वो सब छोड़ो अश्मत, ये बताओ आगे क्या करना है। कब कब ये बताओ आगे क्या करना है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करूं, इसे कोई रोशनी वोशनी भी नहीं। अरे मुदीर साहब आखिर बात क्या है बताइए तो सही, और ये रोशनी वोशनी का किस्सा क्या था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो यार बुरी तरह फंस गया, तबाह हो गया। यार मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान और तुम्हें कहां मिलेगा। बात क्या है, बात क्या है, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं अभी तक। एक लफ्ज भी नहीं। अरे मेरे अब्बा हुजूर घर वापस तशरीफ ला रहे हैं, मेरे चिट्ठी भी लेकर। चर्च में परेशान होने वाली क्या बात है। यार तुम नहीं समझो। अरे आप कुछ कहे तो समझो, घबराइए नहीं, ये बंदा हर मुसीबत में काम आने वाला है। हाँ यार अहमद, अगर इस मुसीबत में तुमने मेरा पीछा तो मैं सिंधी पर गुलामी लेती हूँ। अगर मैं किसी काम में हाथ डाल दूँ ना तो मजाल है कि कोई मुझे रोक के दिखा दे। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक जालसाजी और मक्कारी का सवाल है, दुनिया में अपना कोई सानी, लेकिन जमाना ऐसा बुरा कि कोई कदरदान ही नहीं मिलता। एक ठोकर खा लेने के बाद अब मैंने इस किस्म के मामला में हाथ डाल नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हो गया है। बस यही जरा बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस? हाँ, तुम्हें और मुझ में मन मुटाव हो गया था। रहमत तुम्हें और पुलिस में? हाँ, उन्होंने एक ऐसी हरकत की मेरा दिल टूट गया। जमाने की ऐसी बहनामी से मेरा दिल इतना बेजार हो गया कि मैंने कसम खाई आज के बाद किसी से अंदर दी नहीं। अरे सुनो बताओ बात क्या है, तुम्हारी बात कुछ हो रही है। तुम्हें तो याद ही होगा अभी कुछ दो महीने हुए जब मेरे अब्बा हुजूर नवाब बनने में आके कारोबार के सिलसिले में जहाज के जरिए सफर पर गए। अच्छी तरह याद है। हाँ याद है ना, अफजल मियां और मुझे घर पर ही छोड़ दिया गया था, और तुम्हें और इस अश्मत को हम दोनों की देखभाल के लिए चुना गया। हाँ और ये कोई नहीं कह सकता कि हमने अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं किया है। रहमत तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ कुछ ही अरसे बाद अफजल मियां की मुठभेड़ जो है खानावदोस लड़की से हुई, और आंखें चार घूरते ही दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग भड़क उठी। यार देखो वैसे तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया, यहां तक कि एक दिन उस लड़की से मिलवाने के लिए भी ले गया। लड़की तो मैंने देखी है, काफी अच्छी शक्ल की है, लेकिन हाँ अब इतनी भी हसीन नहीं है जितनी की वो बताने की कोशिश कर। क्या बताऊं तुम्हें, रात दिन जो है उसी के गुनगुनाया करता है। तो एक बात तुम्हारी मुसीबत का ताल्लुक इस किस्से से क्या है। वही तो बता रहा हूं रहमत, एक दिन मैं और अफसर उस लड़की से मिलने जा रहे थे कि रास्ते में एक कोने के मकान से रोने पीटने की आवाज सुनाई थी, और जब हमने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वहां हाल ही में खानदान आकर बस गया है, और ये कि उनकी माली हालत इस कदर खराब है सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। तुम बताओ यार आखिर तुम्हारी मुसीबत का ताल्लुक इस किस्से से क्या। वही पता लगाने के लिए तो मैंने कहा लाओ देखूं आखिर किस्सा क्या है। हम दोनों के दोनों घर के अंदर गए और वहां जाकर क्या देखते, एक नेक बूढ़ी औरत करीब करीब अपनी सांसें तोड़ चुकी,
और उसी के पास एक दाई बैठी हुई रो रही। यकायक मेरी नजर उस बूढ़ी औरत के ना सिरहाने पर पड़ी। वहां एक नौजवान लड़की बैठी, उसके चेहरे पर वो आंसू ऐसे सज रहे थे मानो मोतियों की लड़ियां उसके चेहरे पर डाल दी गई। इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी हसीन और दिलकश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे लेकिन अगर उसकी जगह उस वक्त कोई और लड़की होती ना तो ये अजीब दिखाई देती। लेकिन उसका हुस्न, उसका हुस्न तो मालूम हो रहा था जैसे और ज्यादा बड़ी है। हाँ, अब आए पत्र पर। तुम कहीं अगर उसे देख लेते ना तो यही समझते आसमान से कोई हूर उतरी। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब लोग रोते हैं तो कैसा अजीब हंडासा। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर आंसू ऐसे सज रहे थे मानो मोतियों की लड़ियां उसके चेहरे पर बिखेर दी गई हो। बस आपको मजबूर कर दिया होगा कि आप अपना भी उस पर न्योछावर करते। एक वैश्य भी उस वक्त उससे मोहब्बत के बिना नहीं रह पाता। हाँ बेचारा अपने आप को किस तरह समझ। लेकिन मैंने वैसे उसे काफी दिलासा देने की कोशिश की और उसके बाद हम दोनों के दोनों दोस्त से चले आए। रास्ते में मैंने यूं ही अफजल मियां से पूछ लिया, अफजल मियां वो जो लड़की देखी थी आपने उसके हुस्न के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा यार काफी अच्छी है, जी तो चाहो उसका मुंह तोड़। हाँ मगर उसके यूं ही गुनगाते रहे ना तो शाम हो जाएगी। मैं तुझे बता देता हूँ कि फिर क्या हुआ। कुछ दिन के बाद उनकी बेकरारी का ये आलम हुआ कि हर रोज उसे दिलासा देने के लिए वहां के चक्कर काटने लगे। उसकी मौत की हुआ मौत के बाद मौत के बाद अब उसकी दाहिने माँ की जगह थी। और उसकी शर्त ये है कि अगर ये उसकी लड़की से शादी करने को तैयार हो तब तो उस घर में कदम रख सकते हैं वरना नहीं। और अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है इनके अब्बा हुजूर के पापा तोड़ने के लिए भी 2 महीने तक और नहीं थी। दूसरी ये इनके चचा जान को तमाम दास्तान का इल्म हो चुका है और इनके अब्बा हुजूर ये चाहते हैं कि इनकी शादी नवाब बनने में जो दूसरी बीवी की जो लड़की है ना उससे तय हो जाए। और सुन लो और तो बेचारी लड़की के दिन इस तरह गुर्बत में गुजर रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि कैसे उसकी मदद करूं। बस तुमने तो राय का पहाड़ बना दिया। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े हो गए कि कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ निकाला। बेवकूफी तेरा बुरा। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ना जाने क्या से क्या करता। इतना सा था मैं इतना मान लो।
इतना इतना सक्षम है जब से उठती चिड़िया का पकड़ना सीख गया। अच्छा शुक्र है आप जैसी समझ बोझ में नहीं, कम से कम पुलिस से तो क्रेडिट होती। वो रही मेरे पापों की मलिका। कैसा शहर, तुम्हारे पापा जान घर वापस आ गए और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कराना चाहते हैं। मेरे पापों की मलिका ये सच है, ये सुनते ही मेरे तो होश ही फाकता हूँ। लेकिन ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर शक है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो चुका हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पर क्या तुम्हारी ये मोहब्बत किसी तरह कायम रहेगी? देना कौन है क्या? मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में उछावा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सुना है औरत केवल एक ही मर्तबा मोहब्बत करती है, मर्द की मोहब्बत की चिंगारी जल्दी ठंडी हो जाती है। मेरा दिल और मर्दों की तरह नहीं है, कसम खाता हूँ कि मेरी ये मोहब्बत जिंदगी भर कायम रहेगी। मुझे यकीन है तुम्हारे बातों पर, यकीन है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। अगर किसी ने तुम पर जोर दिया तो हो सकता है कि तुम हार दिल मेरी ओर से फिर जाए। और ठीक भी तो है, तुम अपने अम्मा जान के पूरी तरह से काबू में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करा दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेवफा हूं और अगर वक्त पड़ा तो मैं अपना घर बार सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, बहुत रही उस लड़की की, उसको मैं देख भी चुका हूँ और नफस। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि काश काश समंदर उसे हमेशा के लिए हमसे दूर रखे। उड़े 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 मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आंसू पोछो, तुम्हारे आंसू मैं अपने आंसू पोछने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको किस्मत के हाथों सौंपती हूँ। किस्मत जरूर हमारा साथ देगी, तुम सच्चे रहे तो जरूर रहेगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं सच्चा रहूंगा। तो फिर मैं भी अपने आंसू पोछती हूँ। लड़की समझदार है, देखने में भी ठीक ठाक किया। ये रहमत है, अगर इसमें चाह ना तो हमें हर मुसीबत से बचा लेगा। वैसा तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ फरमाइश देखो कुछ को बिगड़ा सकती है तो मैं तुम्हें तो सब सफाई आपको कुछ नहीं कहना है। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, हमें मुसीबत से निकाल दो। बहुत अच्छा, अब मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी, अपने पत्थर दिल पे रहम की लहर लानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं भी कसम खाता हूँ कि जिंदगी आप गई है। मैं सब सब बनने के लिए तैयार क्या? मतलब अभी अपने दिल में हिम्मत लाओ, थोड़ा सा मर्द बनो। मेरे अब्बा हुजूर के सवालात के जवाब देने के लिए अभी से तैयार है। मैं नाम सुनते मेरे होश आवाज गुम हो जाते हैं। बचपन की है जिसे पार पाना बहुत मुश्किल है। नहीं तभी मैं कह रहा हूँ, वरना वो इस मौके का फायदा उठा के जो चाहेंगे गर्क जरेंगे। एक बार हिम्मत लाओ, मर्द बनो। हाँ चलो सीधे, अगर तुम कह रहे हो तो एक कोशिश करूंगा। सीधे खड़े हो, ये सर ऊंचा, चमक लाओ।
समझो कि मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर है और अभी अभी सफर में से वापस आ गया। अब जब कुछ मैं सवाल करूं उसके सीधे सीधे जवाब देना है। क्यों कम बखत बेहया इतनी जरूरत क्यों मेरी गैर हाजिरी में एक लड़की से इश्क कर और उससे शादी तक करने का तैयार हो गया। आखिर तेरी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तू मेरी इज्जत और राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो गया। बोल कमाल करते हो यार तुम। मैं तो बोलती ही हूँ क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल मेरे अब्बा हुजूर दिखाई दे रहे हो। सभी मैंने कहा है मर्द बनो मर्द मर्द। हाँ अब मैं वाकई बहादुर बनूंगा वाकई बहादुर बनूंगा उठा उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सर फोड़ने ने बची चाहता वो सारी बातें सुन चुका ये नालायकी की हद हो गई। देखो उसको इतना सा हुआ है कि अपने आप से बातें कर रहा है। मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि वो नालायक शादी के बारे में क्या बहाने बनाता है। घबराइए नहीं वह सब तय हो चुका है। हो सकता है कि वो उसको सही साबित करने की कोशिश करे। हो सकता है हो सकता है वही सरकत को मारने से साफ इनकार कर। हो सकता है ऐसा ना हो कि वो मेरे सामने अजीब और गरीब कहानी गढ़कर पेश करने की कोशिश करे। शायद वो कुछ भी कहे मुझ पर असर नहीं होगा। मुझ पर रोक डालने में वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। देख लीजिए अपने इस नालायक बेटे को ऐसी जगह भेज दूंगा कि कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसका इलाज हम करेंगे और इस बदमाश अस्मत की तो मैं चमड़ी उतार फेंकूंगा। हाँ मेरा जिक्र तो आ नहीं था। हाँ तो यहाँ है मेरे नवा खड़ा है। शुक्र है हुजूर आप सही सलामत है वापस। अच्छे तो रहमत है। एक गैर हाजिरी में बहुत ही शरीफाना जिंदगी गुजारते रहे हैं मेरे आसमान मेरे फरजंदे। हुजूर आप तो काफी तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तू क्या गुंगा हो गया क्या बदमाश गूंगा हो गया क्या। हुजूर आपका सफर तो कामयाब है। अरे निहायत ही कामयाब रहा। इतने नाम से मुझे इसकी खबर लेने दो। खबर किसकी खबर हुजूर। झापड़ी के इस लुच्चे की इसकी। हाँ आखिर इसका कसूर क्या है। अरे कसूर अरे तुम्हें पता नहीं है पीछे क्या भूल खिलाया है इसने आपके पीछे। कुछ हुआ तो था। अरे कुछ हुआ था चल जरा गया था चल जरा। और तुम कहते हो कुछ हुआ था। मजा फरमाते हैं आपका खफा होना मजा। अरे इससे ज्यादा जलील हरकत और क्या हो सकती है। सच है सच है सच है। बाप की इजाजत के बगैर शादी कर। जी हुजूर आपका खफा होना मजा है लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो इतना परेशान। मैं जितना चाहूंगा परेशान हूंगा। ठीक है ऐसे ये जलील हरकत सुनकर क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा क्या। अरे तुम गुस्सा जहां तक गुस्सा का सवाल है तो मैंने जब इस बारे में सुना तो मुझे इतना गुस्सा आया हुजूर इतना गुस्सा आया तो कि मैं कहा बोली क्या रहा हूं तुझे।
मैंने उसकी इतनी लागत मिलावट की। पूछ लीजिए आप उससे, उससे पूछिए। मैंने उसकी इतनी लागत मिलावट की। इसने ये भी कहा कि ऐसे बाप के दर्द में कदम चूमने चाहिए ना कि इस तरीके की हरकत। फिर इतना डांट कपट के बाद मैंने सोचा कि इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। और अभी पानी सर से कहां गुजरा? अरे क्या वक्त हो, पानी सर से नहीं गुजरा। पता नहीं कहां से लड़की आया, ना खानदान का पता है ना माँ बाप का। अब हुजूर क्या पता उसकी किस्मत में यही लिखा हो। अब ओ अच्छा और क्या, दुनिया भर के गुनाह करो, चोरी करो, दगाबाजी करो, कह दो किस्मत में लिखा है। अब क्या करे, वो मजबूर इस तरह हो गया था। अरे उसने मजबूर होने का मौका ही क्यों दिया? अब हुजूर आप उससे क्या चाहते हैं? उसने एक लड़की से इश्क करा और उस पर अपनी जान लुटा दी। अब हुजूर आप अफजल मियां को ही ले लीजिए तो आपके बेटे से एक पग आगे। लेकिन इतना समझाने के बाद भी सारी कोशिशें थी। हुजूर आपको ही ले लीजिए, आपका भी तो कभी जमाना था। हमने तो यहां तक सुना है जहां लड़की की नजर आप पर पड़ी और आप निकल गया। और जो ये कि आप उसे ठिकाना भी कबूल नहीं आते थे। बेवकूफी की हद तक कभी ना बढ़ा था। अब हुजूर आप उससे क्या चाहते? उसने एक लड़की को देखा, उससे इश्क, और ये गुण भी तो उसने आपसे पाया है। यानी कि लड़की की नजर लड़के से टकराई और वो आग बन गया और दोनों इश्क के समंदर में गोते खाने लगे। यक लड़की के रिश्तेदार हाथ में तलवार और डंडे लिए दोनों को शादी के लिए मजबूर कर। आप बताइए ऐसी मौत से तो अच्छा है कि दोनों शादी ही कर ले। अरे किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि बात यूं हुई थी? आपको किसी ने बताया? ना ना किसी ने बताया? इससे पूछिए क्या हुआ, कहीं उसको शादी के लिए मजबूर किया गया था? जी हाँ हुजूर आला। मेरी मजाक हुजूर क्या आपके सामने छोड़ दूँ? अरे उसे चाहिए था तो पुलिस में रिपोर्ट की था। पुलिस में रिपोर्ट? हाँ। क्यों? तुम समझे, इससे कम से कम मुझे शादी मंसूख करने में आसानी हो जाती है। शादी मंसूख करने में? बेशक। वो ये कभी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? नहीं। यानी कि मतलब क्या है तुम्हारा? यानी कि बाप को यह हक भी हासिल नहीं कि उसके बेटे पर जो जुल्म हुए उनका बदला चुकाए? वो ये कभी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? मेरा बेटा काम करना है। आप क्या चाहते हैं कि वो अपने आप को बुजदिल करा ले और ये मान ले कि इसकी शादी जबरदस्ती कराई गई? क्या वो अपनी इज्जत आबरू को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या बकवास, क्या फरमाते हैं हुजूर? आपकी और उसकी दोनों की इज्जत में आबरू के लिए यही ठीक है कि लोगों को लगे कि इन दोनों की शादी हंसी खुशी कराई गई है। अरे मेरी और उसकी इज्जत में आबरू के लिए यह भी जरूरी है जो तुमने कहा तो कह सकते हैं। वो ये कभी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? नहीं। अगर उसने ही नहीं माना तो मैं उसे जायदाद से महरूम कर दूंगा। क्या कहा? जायदाद से महरूम? आप संजीदा है? बिल्कुल। बहुत अच्छा। क्या मतलब बहुत अच्छा? आप ये कभी नहीं करेंगे। नहीं करूंगा? नहीं। मैं अपने बेटे को जायदाद से महरूम नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ नहीं। और मुझे रोकेगा कौन? आप खुद। मैं खुद? जी। आपका दिल नहीं मानेगा। अरे मानेगा कैसे नहीं? एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए भीख मांगी। अरे कोई भीख नहीं मांगी। अरे मांगी कैसे नहीं? मैं कहता हूँ कि नहीं। मैं जानता हूँ आप दिल के बहुत अच्छे और नेक हैं।
मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मैं क्या क्या बुरा बन सकता, समझा? हाँ अब बहुत अभी है बस, अब मुझे गुस्सा नहीं लगा। ओए चला पढ़ लिया होता। आज उसकी फैन नहीं
तू अपने मिजाज खराब करते हो, जाओ छोड़ दिया। पूरे लखनऊ में कुछ हमारे जैसा पास बना कर तो दिखाए, रातों रात उठवा लेंगे। एक मल्ला ने मुझे बताया है कि जिस दिन वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो वो भी निकलने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन आपने जो अपने बेटे की ये मनहूस खबर दी है ना, इसने तो हमारे तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। और अब अपनी लड़की का यहाँ लाना और भी मुसीबत पैदा कर देगा। अरे घबराओ मत, ठीक है, मैं सब ठीक ठाक कर दूं और इसी इलाके से मैं जा भी रहा हूं। ठीक है, काम ठीक कर देंगे आप। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना बहुत ही होशियारी का काम होता है मियां। अब हमारी बेटी को देख लीजिए। देखिए, अरे जनाब आप पान बढ़ेगी। हाँ सही फरमाते, लेकिन आपके जुमले की वजह क्या है? और ये ना मन, जब एक नौजवान इस किस्म की गलती करता है तो उसकी घरेलू तालीम में कहीं ना कहीं कमी हो गई होती है। हाँ अक्सर यही होता है, लेकिन आपका ये कहने का मतलब क्या है? मतलब मतलब ये ना मुन्नु, एक अक्षर शरीफ बाप की तरह जैसे कि आप हैं, आप उसकी तरबियत में थोड़ी सी भी होशियारी से काम लेते तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। शुक्रिया शुक्रिया। खैर आपने तो अपने बच्चों की तरबियत नहायत ही आला तरीके पर की। बिल्कुल, अगर कहीं मेरा बेटा इस किस्म की हरकत कर बैठे तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊं। फर्ज कीजिए कि आपके होनहार फर्जंद जिनकी तरबियत आपने इतने आला तरीके पर की है, अगर मेरे बेटे से भी ज्यादा बुरी हरकत कर बैठे हो तो? जी क्या फरमाया आपने? क्या फरमाया? क्या मेरा मतलब है? मतलब क्या है आपका? मतलब ये है बन्नी मियां, इंसान को अपने घेरेबान में छांप कर देखना चाहिए। जिनके मकान शीशे के हुआ करते हैं ना, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। ये पहले तो मेरी समझ में बाहर, पहले ही समझ में आ जाएगी। आपको यकीन ना हो ना, तो आप उससे या किसी और से इसकी पूछ नहीं सकते।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ वकील के पास, देखता हूँ इस बारे में क्या राय देता है। आपका ही बंदा नाफी दादा बस करता है। दादा बात क्या है? बात मियाँ बताइए तो सही, क्या बात कही उसने? हाँ बताऊ आप, नहीं बताना तो वापस अपनी बाप की इजाजत के बगैर शादी कर ले, ये तो मेरी नजर में सबसे बुरी चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वगैरह सब बात, पहले मेरे सामने जो पहेली खड़ी हो गई है मुझे उन्हें सुलझाना भी है। कैसी पहेली? सामने आओ, मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल कर देखो। बात क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे पीछे क्या गुलझ रहे हैं तुमने? सकता था ना, मैं ये नहीं पूछता कि आप खिला सकते थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या खिलाए हैं। मैंने? हाँ तुमने। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। नहीं की? जी नहीं। बेशर्मी की हद है। इसलिए कि मैं जानता हूँ मैं बेकसूर हूँ। अहमद क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? अब क्यों चौंके? उसने कुछ कहा है आपको मेरे बारे में? देखिए मियाँ, या तो आप बताइए वरना वहां जाकर नहीं टिकाइए। इस तरह की बात के लिए मुनासिब नहीं है। तुम घर जाओ, मैं वहीं आता हूं। क्या है सब? अच्छा अच्छा, ये क्या है? चलो सुना, अगर तुमने अपनी बचकानी हरकत नहीं छोड़ी तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। किस बारे में बात कर? तू क्या समझता है कि मेरे पंजे से बच जाएगा? लेकिन मुझे तेरी
आपके दीदी कैसे गवारा कर लेगा? Thank you.
बड़ी बुरी खबर लाया हूँ हुजूर। क्या हुआ? उन्हें 2 घंटों के अंदर ही अंदर 5 लाख रुपए नहीं भेजे तो आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे हुजूर। 2 घंटे के अंदर ही अंदर? जी हुजूर। Thank you.
मैंने उससे यही कहा
कि हमारे नवाब मुन्ने मियां कोई बेवकूफ है जब 5-6 लाख रुपए की रकम यूं ही फजूल में फेंक दे। क्या वो कहने लगा कि मुझे फौज में भर्ती होना है, उसके लिए एक गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। क्या और ऊपर से कुछ लाइसेंस वगैरह भी झगड़े बगड़े बोल रहा था जिसके लिए उसे 20,000 की और जरूरत पड़ेगी। मेरा गुजरात हो गए जी जी। फिर वो कहने लगा कि उसे अपने नौकर के लिए सेकंड हैंड स्कूटर खरीद। अरे उसका नौकर जाएगा हन्नू में हैं, और पर स्कूटर भी मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा पुराने। हुजूर आप क्या चाहते हैं कि वो और उसका नौकर पैदा चले? उसका नौकर और मालिक जैसे चाहे चले, मेरे ठेल लेके। अरे ये जो ये मांग रहा है दे दीजिए ना। खैर वो 30,000 भी दे दूंगा। फिर वो कहने लगा कि उसे माल लादने के लिए एक टुक टुक की जरूरत है। अरे उसका टुक टुक गया जहन्नुम में, समझा? अब वो ज्यादती कर रहा है। अरे हुजूर जरा सोचिए तो, छोटी सी टुक टुक में उसे लुक लुक भी नहीं दूंगा। लुक मार रहा है, मैं अदालत जाऊंगा, बचा दे रहा हूं। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, अदालत में जाकर कहां फंसेंगे? 3 दिन आपको चापलूसों और धोखेबाजों के पंजों से गुजरना पड़ेगा। अपीलें होंगी, बहस दिन रात का चैन हराम हो जाएगा। पूरी लड़कों से लेकर जजों तक सबकी मुट्ठी गर्म करनी पड़ेगी। उसके बाद भी क्या पता वो आपके साथ क्या 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 करते। अरे हुजूर आप ही का वकील कहीं दूसरी तरफ जाके आपका पेट खराब कर दे। ये भी तो हो सकता है हुजूर कि आप ही का किलर जो चाहे रिपोर्ट पर दर्ज करके, और अगर आपको मालूम भी हो गया आपसे कहने का भी गलती हो गई। अरे हुजूर चलो गिरते पड़ते आप ही मुसीबतों से निकल भी गए। आज में पता लगेगा कि जज साहब को आपके खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। अरे हुजूर मैं तो कहता हूँ अदालत में जाना तो एक किस्म की जिंदा मौत है। मैं तो वहां का नाम सुनते ही कांप उठता हूँ। मिकमिकी के बारे में कितना कहा था वो मुफ्त कुल क्या नाम था? टुक टुक। हाँ टुक टुक। हुजूर गाड़ी नौकर का स्कूटर हाँ। और टुक टुक और उसके ऊपर नीचे के जो भी कर्ज कर्ज हैं सब मिला मुझे के 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया जी है वो अब ये चाकी कर रहा है, समझे? मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं अदालत जाऊंगा, मैं अदालत जाऊंगा। अदालत जाकर आप सोचिए तो आपका कितना खर्चा होगा। आप मुकदमेबाजी दायर करेंगे, उसकी फीस देनी पड़ेगी, कॉपियां बनेगी, वकील अपनी फीस अलग लेगा, इस्ताम वारंट दुनिया भर के झगड़। मैं तो कहता हूँ जो ये मांगता है इसको दे दीजिए। 2.5 लाख रुपए जी। मेरा पूरा हिसाब कर दिया, अगर आप इसे 2.5 लाख रुपए देते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए की बचत कर लेंगे। और आप हुजूर वकीलों को तो जानते ही हैं, ऐसे अदालत में गड़े मुर्दे खाती। ये क्या बकवास है, हैं? मजाल है कि कोई झापड़ी का मेरा केस लड़ने से मना कर दे। अरे हुजूर सोचिए एक बार, सोच लिया, मैं अदालत जाऊंगा। अरे हाथ छोड़, अरे ये हाथ छोड़ कब कर जहां पड़ी के हाथ छोड़ दे मेरा। अरे कुछ नीचे और कुछ नहीं था कौन मेरा नाम है ये मुन्ने मियां किस किस्म का आदमी है? क्यों क्या हुआ? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो अदालत में जाकर मेरी बहन की शादी कानूनन करवाना चाहता है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने रुपयों देने से साफ मना कर दिया, कहने लगे बहुत ज्यादा।
खून खून रहमत मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अगर कहीं वो मेरे हत्थे चढ़ गया तो एक एक गोटी जिस्म से उतार कर तागे में पिरो कर इस पेड़ पर सूखने के लिए लटका दूंगा, चाहे फिर मुझे फांसी के तख्ते पर क्यों ना चढ़ना पड़े। आप बुनने मियां कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं, हार उनसे निपटना कोई इतनी आसान बात भी नहीं। क्या बकता है, शायद मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अगर कहीं इस वक्त वो यहां मौजूद होता तो मेरी ये तलवार उसके जिस्म के पार होती। ये कौन है? ये वो नहीं है। तो फिर शायद उसका कोई दोस्त है। ये नहीं, ये तो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन जी? क्या आप उस लुच्चे और लफंगे मुन्ने में आके वाकई सबसे बड़े दुश्मन है? अरे छोड़िए ना, मुझसे बात कीजिए ना। आप जैसे मर्द आदमी से हाथ मिलाते हुए भाई मुझे मार रही है। जनाब आलम, मैं अपनी इस तलवार पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि शाम होने तक मैं इस लुच्चे और लफंगे मुन्ने मियां से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। इस तरीके की हरकतें खिलाफ कानून है। बकवास, देखे कोई क्या बिगाड़ लेता है मेरा, जरा छू कर तो देखे। नवाब उनमें भी है, कोई ऐसी ऐसी हस्ती नहीं है, उससे निपटना इतना आसान नहीं। उनके साथ उनके दोस्त नवाब और नौकर चाकर रहते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और कालिया भगवान की तलवार पर कभी शक नहीं करते। अच्छा है, और मजा आ जाएगा। उसको तो मैं चूहे की मौत मारूंगा। आ जा, देखता हूं तू कितने साथी लेकर आया है। एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा। ये बात बढ़ते क्यों नहीं? हम बच के कहां जाओगे? वे भगा रहा है, तू भी कहेगा जेले। अरे हुजूर, हम उस टोनी के नहीं है। कह देना उसे का धर्म का नवल नाम है मेरा। Thank you.
जब भीतर की बात आती है तो शहर की तरफ आदत है वहां तो आखिर ये मुसीबत के पहाड़ बिछाने नवाब पर दे दिया पर क्यों टूट रहे हैं बदकिस्मत बाप अब तू इस मुसीबत से कैसे छूटेगा पूरा शहर जान मारा लेकिन नवाब बनने मियां का कहीं पता नहीं तेरा शहर शहर ढूंढ मारा लेकिन उनका कहीं पता नहीं शायद वो कहीं जाकर छिप गए तभी तो नजर नहीं आ रहे वहां पहुंचे हुजूर हमारी नजर एक छोटी सी किश्ती पर पड़ी
वो किश्ती किसी तुर्की की थी। कुछ देर बाद हमारी उस तुर्की से भी मुलाकात हो गई। आदमी काफी हसीन था और कुछ ही देर देखने के बाद उससे बातचीत वो अपनी किश्ती में ले गया। वहां ले जाकर हमारे सामने खाने पीने की चीजें ढेर कर दी। तो इसमें खौफनाक जैसी कौन सी बात हुई भाई? अरे सुनिए, खाते खाते उसने किश्ती चलाने का हुक्म दिया। किश्ती दूर समुद्र जाकर समुद्र में रोक दी गई और मुझे किश्ती से उतार कर एक नाव में बिठा दिया और आपसे ये कहने को कहा अगर मैंने उससे आपसे 5 लाख रुपए ले जाकर उसको ना दिए तो आपके बेटे को अंजेरिया ले जाकर गुलाब बनाकर बेचते हो। नहीं है, सुनना तो घड़ी चलते ही काम उठता।
से दो घंटे की मोहलत हुजूर। खुदा याद है मुझे अभी अभी इतनी रकम मिली। हाँ मुझे मिली। अंतर
Thank you.
क्या तू मुझे बता सकता है ये
नवाब पन्ने मियां को कहां पा सकूं? लेकिन हुजूर आप नवाब पन्ने मियां को क्यों ढूंढ रहे हैं? किस लिए ढूंढ रहे हैं? अजी हुजूर इसलिए ताकि उसकी शामत आ गई है, मैं उसकी छड़ी से खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन हुजूर आप इतने नेक इंसान के साथ ये बताओ कैसे कर सकते हैं? अच्छा तो तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझसे बहस करेगा? शायद तू उसका दोस्त है। जी हुजूर मुझे ये सब हासिल है। अच्छा सर्फ का बच्चा, तो पहले मैं तेरी खाली जानता हूँ। नहीं बताएगा, 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 नहीं बताएग
अरे किस
कितनी बाकी है? ये नौकर उस बुद्धे के पास गया और वहां जाकर कहानी कर दी। उसने उसको बताया कि वो उसके बेटे का बेटे के साथ बंदरगाह सैर पर गया था और वहां उनकी मुलाकात एक तुर्की से हो गई। वो तुर्की उन्हें अपनी किश्ती पर ले गए और काफी दूर निकलने के बाद किश्ती समुद्र में डाल दी गई। फिर थोड़ी देर बाद उस तुर्की ने उस नौकर को एक नाव में डालकर ये कहा कि अगर लड़के के बाप ने 2 घंटे के अंदर ही अंदर 5 लाख रुपए ना दिए तो वो उसके बेटे को अल्जीरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। अब उस बुड्ढे की अजीब हालत थी। एक तरफ तो बेटे की मोहब्बत, एक तरफ तो बेटे की मोहब्बत और दूसरी तरफ वो 5 लाख रुपए जो उसे पर्ची की तरह चुभ रहे थे। उसने इससे बचने के कई तरीके निकाले। पहले तो कहने लगा कि वो अदालत जाएगा, फिर जाकर कहने लगा कि जब तक वो पैसे जमा करता है वो नौकर बेटे उसके बेटे की जगह लेंगे। हालांकि उसे छुड़ाने की उसकी बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर चाबी लेकर ये कहने लगा कि जब तक वो पैसे जमा करता है एक काम करो, जितने भी उसके फटे फुटे पुराने कपड़े है वो जमा करके किसी कबाड़ी को बेच दो और उसके बेटे को बचा लो। अब बुरा ये बताओ, फटे फुटे पुराने कपड़ों से भी 5 लाख रुपए होते हैं? कभी कभी मिल जाते हैं। फैमिली का बुढ़ा बिल्कुल अजीब है, आप जानते हैं उसे? नौजवान ने नहायत ही जलालत का सबूत दिया है राम के जने ने। ये बाप देख लियो, ये बाप उसे अच्छी तरह खबर देगा उसकी। और जहां तक उस खान बदोश लड़की का ताल्लुक है, उसकी तो दुनिया खात भी नहीं कि वो शरीफों में बैठे। और सुनो, जिस नौकर रहमत का नाम तुम ले रही हो ना, ये तो सुबह होने से पहले ये इंसान फांसी पर चढ़ा देगा। चली गई थी आप, आपको ये भी पता है कि अभी आप किससे बात कर रही थी? हाँ अभी पता चला। और मेरी बेवकूफी तो देखो, मैंने उनके सामने सारा किस्सा सुना डाला। वैसे मैं किसी ना किसी को किस्सा सुनाने के लिए भेजी थी। अश्वन देखो टकराई भी तो उसे। अब क्या होता है, जो होना तो हो गया। आपने भी कमाल कर दिया, कोई बात पेट में रुकती ही नहीं, सब कुछ उगल दिया। उगल दिया तो उगल दिया, और वैसे भी आज नहीं तो मेरे पास सबको मालूम हो ही जाती। हाँ ठीक है ठीक है, अब आप घर चली जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। Thank you.
ठीक है मैं सब देख लूंगा।
से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूं।
हमने तुम्हें माफ किया, इत्मीनान से मरो। Thank you.
थिएटर वो खत्म होता जा रहा है दिल्ली और हम नेटफ्लिक्स में फंस रहे हैं। नेटफ्लिक्स में भी पे करना पड़ता है 400-500 रुपए, वो बहुत सारे रोटेशन, बट ये जो लाइव आर्ट होता है बहुत मतलब यू नो ओल्ड फॉर्म है, जिस शेप में आप देख रहे हो उस शेप में होता है, और लाइव आर्ट धीरे धीरे मतलब खत्म हो रहा है। मस्ट वॉच प्ले, लाइव प्ले, यू नो अपने दोस्तों को लाएं, टिकटें 100-150, मतलब सिनेमा हॉल जैसे सस्ती है और मंडी हाउस सर्कल का Hello, Molum.